चलिए देखो, हमने पिछले क्लास में करवा रखा था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, नहीं उसको कैसे समझना था। और साउंड कम होगा क्या? नहीं, ठीक। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड को लेके, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि आपने जो टोटल जर्नी कर रखी है ना, उस टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपने कितना टाइम लिया, इनका ही रेशियो हमें क्या देता है? एवरेज स्पीड। ये क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन मतलब आप जो भी जर्नी की बात कर रहे हैं उस जर्नी का जो टोटल डिस्टेंस होगा। और देखो तो उसका ऑफ है क्या रेगुलेटर? अंकित कुमार, रेगुलेटर में देखो तो स्पीड और रुक गई उसकी, थोड़ा देखो फुल है क्या ये वाला? लगता है तब उसका कंडेंसर चेंज करना होगा, बढ़ रहा है ना। अब ये एवरेज स्पीड की बात हो गई। और देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन को समझना, कि जैसे मान लो आप ए से, समझना बात को, ए से बी तक गए और ए से बी तक जाने का आप किस स्पीड से गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही तो हमें निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ए से बी तक हो सकता है आपने अपनी स्पीड बार बार बदली होगी, कई बार बदली होगी ड्यू टू सम रीजन, जैसे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, रोड साफ होगा, एनएच पे होंगे, गली वाली रोड में होंगे, या मान लो ढाबा पे रुक गए खाना खाने, है ना, कहीं पे अच्छा देखे बगीचा घूमने लग गए, तो उसमें क्या होगा कि वो जो कंप्लीट जर्नी में ये जो छोटे छोटे टाइम्स इंटरवल होंगे, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तुम जो स्टॉपेज लोगे ना, बार बार हम ये बात बोल रहे हैं, अगर ये आपने जर्नी स्टार्ट करी और जर्नी स्टार्ट करने के बाद जब तक जर्नी कंप्लीट ना हो जाए उस दरमियान आपने जितने भी स्टॉपेज ले रखे हैं, गाड़ी चल रही है या रुकी हुई है, वो सारे टाइम इंक्लूड होंगे टोटल टाइम इंटरवल में, समझ पाए? ठीक है, चाहे वो आधा घंटा रुको, 10 घंटा रुको, 2 घंटा रुको, बीच में नानी का गांव था, 2 दिन रुक गए, मान लो जाना आपको अपने घर से आपको अपने ससुराल था, और बीच में मान लो नानी का गांव भी आता है, तो सेट कर लो तुम्हें पहले जर्नी तुम्हारी कौन सी होगी, आपके घर से आपके ससुराल तक का या आपके घर से आपके नानी के घर तक का। अगर आपने जर्नी सेट कर रखी है अपने घर से अपने ससुराल तक के घर का, तो बीच में अगर नानी गांव में आप 2 दिन रुकते भी है ना, वो 2 दिन वाला टाइम इंक्लूड होगा। रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए भी कुछ बोल नहीं सकते, पब्लिक हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? समझ गए बात को ना? हाँ, अगर आपने मान लो अपने घर से अपने नानी के गांव तक का ही जर्नी सेट किया है, क्योंकि आपको एवरेज स्पीड निकालनी तो आपको अपने घर से ससुराल तक की है, तो भाई डिस्टेंस अगर आप इन दोनों का ले रहे हो, इनके बीच का ले रहे हो, तो ये बीच में जो स्टॉपेज वाला टाइम है वो टाइम लोगे, वो टाइम इंक्लूड होगा टोटल टाइम टेकन में। समझ पाए नहीं ये बात को? बिल्कुल। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो देखो एवरेज वेलोसिटी में हमें सिर्फ और सिर्फ देखना होता है डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? ठीक है, एवरेज वेलोसिटी में आपको सिर्फ देखना होगा डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट तो नेट ही होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट, और उस डिस्प्लेसमेंट को करने में लगा टाइम। डिस दोनों मिक्स हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेस, नानी गांव में डिस्प्लेसमेंट ध्यान था इस पे, बेस्ट अगले क्वेश्चन पे।
दिमाग में वो घड़ी वाला क्वेश्चन चल रहा था, डिस्प्लेसमेंट आया बाबू था। सुनो सुनो, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, समझ पाए बात को। तो उस डिस्प्लेसमेंट को करने में लगा टाइम, ठीक है। अब यहां पे भी वो टाइम, स्टॉपेज वाला टाइम अगर आएगा तो काउंटेड होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है। तो आप कहोगे सर ए से बी तक गए, ए से बी तक गए और मान लीजिए हमने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसमें मान लो स्टॉपेज हमने आधे घंटे का लिया है और टोटल जर्नी हमारी ए से बी तक पहुंचने में मान लीजिए 5.5 घंटा लग गया, ठीक है, मान लो 5.5 घंटा लग गया। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा, सर अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर लेंगे, सही है, टोटल टाइम 6 घंटा लेंगे, चलो ठीक है, क्लियर है, एवरेज स्पीड आ गई। फिर तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा, सर एवरेज वेलोसिटी का क्या करें, आपने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर आ रहा है, तो भाई 10 किलोमीटर आ रहा है तो 10 किलोमीटर लेंगे। टोटल टाइम टेकन, सर टोटल टाइम टेकन तो 5.5 और 30 मिनट, 6 घंटा लग रहा है। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तो सेम हो जाएगी ना, फिर बिल्कुल हो जाएगी। क्या हम कभी बोले कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम नहीं हो सकती, ऐसा हम कभी बोले हैं क्या? ऐसा नहीं ना बोले हैं, बिल्कुल हो सकती है। कब होगी? देखो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा। तो आपको ये चीजें नोट करके रख लेनी है कि जब भी ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग, शायद हम लिखा भी दिए हैं या मे बी मूव्स अलोंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगी उस केस में देन इट्स एवरेज स्पीड जितना होगा उतनी ही उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इस केस में सेम होगा, इसे नोट कर लो, अगर आपने कर लिया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन पाथ में, बार बार हम ये बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन पाथ में, अगर पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा कहानी बदलेगी, कैसे बदलती है वो भी हम बताते हैं अभी। आइए एक सवाल करें, इस सवाल से इस क्वेश्चन को समझें। A car travel moves from A to B with बोर्ड दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? कार, 10 मिनट बाद मीटिंग एंड होगा, जो नए बच्चे हैं उसको रिज्वाइन करना है फिर से, मतलब सबको ही करना है रिज्वाइन फिर से, जिसको अनिस ध्यान रखिएगा, मीटिंग जी रिज्वाइन होने के बाद फिर डिस्कनेक्ट होने के बाद रिज्वाइन करना होता है तुरंत सेम लिंक पे। अ कार मूव्स फ्रॉम A to B with uniform speed of 30 km/h for 2 hours.
एंड फ्रॉम बी टू सी विथ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आर फोर टू आर फाइंड इट्स पहला एवरेज स्पीड और दूसरा एवरेज वेलोसिटी। फटाफट करिए, बनाने लायक क्वेश्चन है नहीं ये। जल्दी करिए और आंसर बताइए। दोनों केस में आंसर सही होगा, 40 किलोमीटर पर आ रही होगा। बिल्कुल 40 किलोमीटर पर आ रही होगा दोनों केस में। दोनों केस में 40 किलोमीटर पर आ रही होगा। टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम टेकन आपको करना है, बस इस बात का ख्याल रखना है बस, उसके बाद मैटर क्लियर है। देखो जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम लिखना है। अगर बीच में ब्रेक होता तो वो ब्रेक वाला भी टाइम इंक्लूड होता। आइए इसे सॉल्व करें। देखो हमें ए से बी जाना था किस स्पीड से, मान लो इसकी स्पीड थी कितनी 30 किलोमीटर पर आर, इसको हम लोगों ने मान लिया, मान लो V1 30 किलोमीटर पर आर, कितने टाइम तक मान लो चला ये, बोला है 2 घंटे तक चला है तो 2 घंटे तक चला है। उसके बाद बी से सी तक गया किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आर से, कितना टाइम तक चला है ये, फिर से 2 घंटे तक, चलो 2 घंटे तक। तो हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई, बी से सी तक पहुंच गए, ठीक है। तो भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो पता चल गया, टोटल टाइम टेकन पता कर ले। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मान लो डी, ये डी कहां से कहां तक, ए से बी तक का, बी से सी तक का। डिस्टेंस ट्रेवल ए टू बी, डिस्टेंस ट्रेवल बी टू सी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। और बताओ डिस्टेंस ट्रेवल ए से बी तक का पता कैसे करें, तो देखो सुनो बाबू, डिस्टेंस ट्रेवल ए से बी तक का कैसे पता करें, देखो डिस्टेंस ए से बी तक का पता करना है तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या आप कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो बताओ ए से बी तक की स्पीड पता है, हाँ कितना, वी वन। ए से बी तक का टाइम पता है कितना, टी वन। तो बताइए आ तो क्या आइए ना, कितना आएगा टी वन, तो 30 × 2 मतलब 60 किलोमीटर है ना। और उसके बाद फिर डिस्टेंस ट्रेवल बी से सी तक का कितना होगा, बी से सी तक की स्पीड वी टू, बी से सी तक का टाइम टी टू, तो वी टू है कितना तुम्हारा 50 और ये है कितना टी टू तुम्हारा फिर टू, ये होगा 100 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ गया 100 किलोमीटर। नहीं तो आप इसे कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो डी है वो कितना आ गया, 100 + 60 मतलब 160 किलोमीटर। समझ पाए बात को, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमारा कितना आ गया 160 किलोमीटर। अब टोटल टाइम टेकन की बात कर लें, टोटल टाइम टेकन दे ही रखा है 2 घंटे 2 घंटे, 4 घंटे का टाइम हो गया है ना। तो टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम आ गया आपको टाइम टेकन टू ए टू बी प्लस टाइम टेकन टू बी टू सी, टाइम टेकन ए टू बी 2 घंटा प्लस 2 घंटा, टोटल मिला के 4 घंटे हो गए। आ जाओ इस हिसाब से खुश रही, इस हिसाब से एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम,
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, नहीं 4 आर, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 160/4, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर पहला। और दूसरा हमें बोल रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ, तो भाई एवरेज स्पीड भी तो ऐसी ही होगी ना, सॉरी एवरेज वेलोसिटी भी तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सिंपल सी चीज है भाई, डिस्प्लेसमेंट 160 किलोमीटर ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही है। टोटल टाइम टेकन 4 घंटा हो गया, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। आसान सवाल था, बस इसलिए करवाया ताकि कंसेप्ट बिल्डअप हो, और कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आपसे लग ही जाएंगे, क्लियर है। अब यहीं पे सवाल ये होगा कि मान लो आपको यहां से यहां तक बोलेगा कि भाई स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर रखा। कभी कभी क्या होगा, डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी होगा, टाइम नहीं दे रखा होगा, इसी रिलेशन से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे क्या। बच्चों वाला वो सवाल करवाया कि इस केस में तुमने डिस्टेंस फाइंड किया, अगले केस में टाइम फाइंड करो, नहीं समझे बात को। अगला सवाल इसमें क्या बनता, मान लो ये दे रखी होती, देखो इसी बताते हैं, ये क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर है ये वाला, आ जाओ। जैसे इसमें मान लो अगला क्वेश्चन ये बनता, मान लो हम तुमसे बोलते कि भाई सुनो, अगला क्वेश्चन ये बनता कि भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बाइंड करनी है इस सिचुएशन की, समझो बात को, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए से बी तक गया 60 किलोमीटर, 60 था ना, वो 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और बचा हुआ 100 किलोमीटर, बचा हुआ 100 किलोमीटर, समझना, बचा हुआ 100 किलोमीटर V2 स्पीड से चलता है, तो बताइए इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अगला सवाल क्या बना, इसी तरह का बना, तो भाई इसमें क्या करना है, तुम्हें टोटल डिस्टेंस पता दे रखा है, तो भाई टोटल डिस्टेंस आपको पता दे रखा है 160 किलोमीटर। अब इसमें हमें टाइम निकालना है, तो समझो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 60, और यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है 30, आया 2 आवर। उसी तरह से आपको T2 निकालना होगा, और T2 भी आप करोगे 100 घंटा बाय 52 आवर, तो फिर T1 + T2 टोटल टाइम आ जाएगा। सवाल समझ गए ना बात को, ये सब क्वेश्चन नहीं करवाते, इसमें टाइम कंज्यूम होगा, क्लियर है, लिख रहे हो ना वर्षा, इसको ऐसे ही लिख लेना, इसमें समझ गए, इसमें गिवन था ये डिस्टेंस, ये समझ पाए बाबू, बढ़िया। एक सवाल करके दिखा दो, फिर एक क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर इसमें एक दो सवाल करवाए, फिर हम लोग सर्कुलर वाला 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, ठीक है। अ कार कवर, अ कार कवर्स 30 किलोमीटर विथ द स्पीड ऑफ With the speed of ये क्वेश्चन मिटा दे, हाँ, with the speed of 60 यानी कि 2 घंटा में 1 घंटा 30 किलोमीटर पर आवर, with the speed of 30 किलोमीटर पर आवर with What speed? क्या हुआ? With what speed
the remaining distance should be covered should be covered so that its average speed of car so that average speed of car becomes 60 km per hour एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं इसी पैटर्न को। देखो बाबू, जैसे मान लो हमने ये सॉल्व कर रखा 40 किलोमीटर की डिस्टेंस, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस दो डिफरेंट स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर, तो हमने निकाला तो एवरेज स्पीड आई हमारी 40/3, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर एक अनदर सिचुएशन हमने रखा कि स्पीड हमने सेम रखी है, डिस्टेंस इंटरवल हमने बदल दिया, 100 किलोमीटर का 100 किलोमीटर का रखा, इस केस में भी एवरेज स्पीड निकाली गई तो देखी गई कि 40/3 आता है, आप देख लेना हमने निकाल रखा है। और मान लो फिर से हमने एक डिस्टेंस चेक करने के लिए डिफरेंट दे रखा है और स्पीड हमने पुरानी वाली ले रखी है, हमने फिर से एवरेज स्पीड निकाली तो आई इसकी 40/3 किलोमीटर बराबर। ठीक, तो यहां से एक चीज है ऑब्जर्व की जा रही है कि भाई अगर आपका स्पीड वाला, देखो स्पीड हमने हर इंटरवल में सेम रखा है, हर इंटरवल की हमने बदली क्या है डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस के बदलने से एवरेज स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एवरेज स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, देखो ये इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है ना, तो जब इक्वल डिस्टेंस का इंटरवल मतलब इक्वल डिस्टेंस वो डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेगी, उस वक्त उसकी एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। कहां कर रही है बताओ, और तुम्हें हम बताएं अगर हम ये नहीं भी देते ना, ये हम नहीं भी देते तब भी तुम्हारा आंसर आता इतना ही, और तब भी आंसर कैलकुलेट किया जाता बिना डिस्टेंस के, क्योंकि अगर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है तो डिस्टेंस से कोई मैटर नहीं करेगा, भाई डिस्टेंस दिया रहे ना दिया रहे क्या फर्क पड़ता है, अजीब लग रहा है, आओ करके देखते हैं मिटा ऐसे। हाँ मेंशन रहेगा क्वेश्चन में कि इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है, जैसे देखें आ जाओ इसका तरीका समझें। हाँ जी इसका तरीका समझ ले, स्टेटमेंट में लिखा देते हैं, लाइन लिख लो, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स दी हाफ फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2 फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस जर्नी। हाँ ये 2v1 plus v2 आएगा। आइए इसे सॉल्व करें, हमें कह रखा है कि उन्होंने मान लो ए से बी तक जाना है और इन्होंने इसे दो हिस्सों में बांट रखा, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब आधा, पहला शुरू से आधा और फिर बाद का आधा, मतलब इसको हमने आधा आधा में बांट रखा है। तो हम मान लें कि यहां से यहां तक की अगर टोटल जर्नी आपकी एक्स है, एक्स किलोमीटर की जर्नी है, समझना बात को सर, तो ये डिस्टेंस अगर v1 से तो कितना डिस्टेंस x/2 डिस्टेंस, आधा मतलब ही हुआ, या आप 2x मान लोगे तो ये x और x हो जाएगा, क्यों ना हम लोग 2x मान लें क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो गया x और ये हो गया x v2, बोलो कोई दिक्कत,
टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है, बट टोटल टाइम की तो पता है, हम लोग टोटल टाइम टी वन निकाल लेते हैं। टी वन बराबर क्या होगा, स्पीड और डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड एक्स बाय वी वन। टी टू कितना हो जाएगा, टी टू कितना हो जाएगा, एक्स बाय वी टू। तो भाई टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम बराबर टी वन प्लस टी टू। टी वन का वैल्यू कितना है, एक्स बाय वी वन, टी टू का वैल्यू एक्स बाय वी टू, हो गया। हाँ, या आप इसे चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, एक्स वी वन प्लस वी टू बाय वी वन वी टू आएगा। ये तो होगा मान लो टोटल टाइम आवर में आ गया मान लो आपका, ठीक है। अब देखो हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है, हाँ, तो एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, और टोटल टाइम कितना रखा है, देखो x बाय वी वन प्लस वी टू बाय वी वन वी टू, बाय वी वन वी टू को ऊपर लिख दे हैं, बोलो, तो x से x चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू वी वन वी टू बाय वी वन प्लस वी टू। ये हो गया आपका शॉर्टकट फॉर्मूला, कहो या जो कहो। मिताहिर सिंह बरसा, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? अनीस समझ पा रहे हो बाबू? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। मिटाए से। अब देखो ये यूज कहां पे करना है, ये वहां पे यूज करना है जब तुम्हें दो इंटरवल दे रखा हो डिस्टेंस का, इक्वल इंटरवल, और सीधा बोले कि स्पीड बताओ। जैसे देखो, अगर मान लो आपको पता है कि ये ए से बी तक जाना है दो हाफ हाफ डिस्टेंस में, समझ रहा हूं, हाफ हाफ, ये फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ का जिक्र रहे हो तब, और मान लो ये 30 किलोमीटर पर आवर से चला फर्स्ट हाफ, समझ रहे ना, फर्स्ट हाफ, और जो सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ है वो मान लो 50 किलोमीटर पर आवर से चला। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड करेंगे, तो इस बार हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा क्या करेंगे, 2 v1 का वैल्यू 30, v2 का वैल्यू 50 बाय 30 प्लस 50, v1 v2 सीधा हो जाएगा 5 या 15 29 3000 बाय 80 खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 150, और ये हो गया तुम्हारा 4 2 75 75 बाय 2 किलोमीटर पर आवर। समझ पाए बात को, गर्मी प्राण ले लेगा लगता है। समझ पाए, बोलो। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके रखना, तुम लोग आगे बढ़ेंगे। मिटाए से, क्वेश्चन नोट करो फटाफट, क्वेश्चन नोट करो। देखो इसमें है क्या कि लिख लो क्वेश्चन लिख लो, फिर बताते हैं। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विथ स्पीड वी वन during first half time intervals and with speed v2 during second half टाइम इंटरवल, सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड बताओ।
क्या लगता है कर लो, 2 सेकंड तो लगेगा, क्या पेंडिंग रखना। यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम दे रखा है बाबू, तो 2v1 v2 by v1 plus v2 नहीं होगा, हाँ v1 plus v2 by 2 हो जाएगा, v1 plus v2 by 2 हो जाएगा। सॉल्व करके देखें, आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। थोड़ी जानबूझ के हम स्पीड रख रहे हैं क्योंकि हल्का हल्का प्रॉब्लम है ये, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है। अब देखो ये पे डिस्टेंस नहीं बराबर है, ना 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 ना, ये हाफ डिस्टेंस नहीं है, समझना समझना समझना। देखो ये कह रहा है कि स्पीड v1 से, आई बात समझ में, बोलो t टाइम तक चला, मान लो 2 घंटा चला, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब ये कह रहा है दूसरी स्पीड से उतने ही टाइम तक चला है, दूसरी स्पीड से ही उतने ही टाइम तक चला है ताकि इसकी जर्नी कंप्लीट हो जाए। तो टाइम इंटरवल हमारे पास सेम है, तो टाइम तो हमारे 2t पता चली गया है, डिस्टेंस निकाल रहे थे। s1 इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर 2 सेकंड वाला स्पीड इंटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस। अब बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दें, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, s1 plus s2, बोलिए, और टोटल टाइम टेकन कितना होगा, t1 plus t। s1 का वैल्यू कितना है, v1 t plus v2 t by 2t, बोलो। अब आदम से टी को टिटिया दो, टी से टी खत्म, बोलो 2t खत्म। अब बचा तुम्हारा क्या, बच गया तुम्हारा कितना, एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 plus v2 by 2। बहुत स्पेशल फॉर्मूला है, ये काम आएगा तुम्हें जब इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, ये तुम्हें काम आएगा। देखो इसका मतलब क्या है, लिख लो पहले बताते हैं। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला सिचुएशन बन गया, इस इंटरवल ऑफ टाइम में इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा ना, उसकी ये एवरेज स्पीड होती है। ये सिचुएशन बताएंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला सिचुएशन याद रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा उस वक्त उसकी एवरेज स्पीड v1 plus v2 by 2 होता है, एवरेज जैसा होता है, इनिशियल और फाइनल बाय 2 हो जाता है। समझ पाए बात को, है ना। एक होमवर्क के लिए दे देते हैं, मिटाए से देख, अ पार्टिकल ट्रेवल विद स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2 ड्यूरिंग सेकेंड हाफ डिस्टेंस एंड विथ स्पीड v3 ट्रेवल विथ स्पीड v1 ड्यूरिंग थर्ड हाफ डिस्टेंस फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, क्या आएगा, 3v1 v2 by v1 plus v2 plus v3, नहीं आएगा, जो आएगा सॉल्व कर लेना, 3v1 v2 v3 by v1 v2 v2 v3 plus v3 v1 आएगा। बच्चा सब v1 v2 plus v3 कर देगा, इसलिए सॉल्व करने दिए हैं। आया बाबू,
हाँ दो दो का पेयर बनेगा नीचे मिटाए से। हाँ हाँ क्या कुछ बोल रहे हैं हर्ष? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नाइन्थ क्लास की किताबों में भी रहता है। हीरोडो का कहाँ होगा है? हाँ पैटर्न पैटर्न। अच्छा अच्छा हीरोडो में सब क्वेश्चन लिखेगा। बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, मंगवाया है इस बार पूरा नया वाला एडिशन मंगवाए हम भी हीरोडो का। हाँ हीरोडो पैटर्न है ना, आई ई हीरोडो स्पेलिंग आई हीरोडो हीरोडो ऐसे बोलते हैं। फिजिक्स का सबसे टफेस्ट बुक, फिजिक्स में सबसे टफ बुक इसी का आता है, एस सी बी का। इसके अलावा हमने कोई लेवल ही नहीं एस सी बी आई हीरोडो का आता है। थ्योरी के लिए सबसे अच्छी किताब होती है फॉरेन राइटर में तुम्हारा रेसनिक के लिए डेका जो सब लोग जानते हैं। हीरोडो भी रहते हैं, रेसनिक के लिए आता है, बहुत सुंदर किताब होता है, लेकिन वो विद्यार्थी के पढ़ने लायक के लिए नहीं होता है, कम समझ में आएगी चीज़ें। ये सब फालतू जब टाइम वेस्ट आपको करना हो पढ़ने लिखने के लिए, दुनियादारी से रिश्ता नाता खत्म हो जाए, कुछ करने लायक है नहीं, ना डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है, बस पागलों की तरह पढ़ना है, तो ये सब किताब बनाइए, क्योंकि इससे ना डॉक्टर बन पाएंगे नहीं जी। देखो कंसेप्ट अच्छा रहता है, किताबें बहुत सारी है, रहने दो, क्लास में जितना करवाया जाए उसी से तुम्हारा बेड़ा पार है, उसके बाद करते रहना ना, क्लास पहले कर लो। थ्योरी के लिए सबसे पढ़ने के लिए बेस्ट किताब है थ्योरी, पढ़ना है अगर स्टूडेंट को समझना है तो उसके लिए आती है इंटरेक्टिव फिजिक्स एमटीजी पब्लिकेशन में। अगर किसी को थ्योरी पढ़ना है खुद से पढ़ के समझना है, और सब बहुत सारी किताबें हैं, एस सी वर्मा है, रेसनिक हलीडे है, ये थ्योरी तुम्हें नहीं समझ में आएगी पढ़ने की, इसके लिए तुम्हें टीचर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन खुद से पढ़ के तुम्हें समझना हो खुद से तो आता है इंटरेक्टिव फिजिक्स एमटीजी का, जो आपको पार्ट वाइज 8-9 वॉल्यूम मिलेगा आपको 11 से लेकर 12 तक का। उसमें न्यूमेरिकल नहीं रहता है, बहुत कम न्यूमेरिकल होगा भाई। हाँ इसलिए बुक का नाम नहीं बताते छुट्टी का। एमटीजी पब्लिकेशन में इंटरेक्टिव फिजिक्स आता है, इंटरेक्टिव फिजिक्स वेक्टर का नहीं आता, उसका काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगा। मिटाए से या हो सकता है न्यू एडिशन में आ जाए। अब देखो भाई एक सवाल और करूं फिर हम लोग आगे टाइप की तरफ बढ़े। एक क्वेश्चन और करूं, अ बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, बोलो इस चिड़िया को कहां नॉर्थ और साउथ का सेंस है तुम्हें, है ना? अ बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विथ विलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फोर 15 सेकेंड, उसके बाद इट रेस्ट फोर 5 सेकेंड एंड देन, देखो रेस्ट वाला बोल रहे थे, एंड देन फ्लाइज ड्यू साउथ विथ वेलोसिटी साउथ विथ वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड फोर 10 सेकेंड। ठीक है, हमसे पूछा गया है फाइंड दी एवरेज स्पीड, फाइंड दी एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस जर्नी।
लगता है प्राण निकल जाएगा। देखो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, शायद बोल रहा है कि कन्फर्म 18 मीटर पर सेकंड। हाँ दूसरा एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी नहीं होगा तुम्हारे मुंह से, सत्य कैसे निकल सकता है। और वो हार्ड क्वेश्चन लोगों को पता चलेगा तो सुसाइड करना पड़ जाएगा। एवं 2 मीटर पर सेकंड सही है। देखो इस तरह के सवाल ना तुम्हें, वो खरगोश और कछुआ वाला होता है कहानी ना, उसमें भी कछुआ रुकता है ना फिर भी जीत जाता है ना, नहीं हाँ, तो उस पर भी क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन याद नहीं है, बड़ी सुंदर कहानी जैसी लिखी हुई सवाल। क्या इरोडो मेरे चला गया, कहाँ गया, हर्ष कुमार चला गया लगता है। किस्से वाला कहानी, ये लोग के साथ बैच में 9th में करवाए थे खरगोश कछुआ वाला, उसमें वही रेस्ट वाला टाइम था, नहीं कछुआ चलते रहा था, खरगोश सो गया था, तो वो कितना देर सोया था वो वाला टाइम दे रखा है। हम होमवर्क में वो वाला कछुआ खरगोश वाला क्वेश्चन भेज देंगे, कर लेना। आ जाओ प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एक बर्ड है नॉर्थ विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। देखो जरा नॉर्थ की तरफ चली किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, है ना, और 15 सेकंड तक रुक गई, 15 सेकंड तक चली और 5 सेकंड तक रुकी है। टाइम देखो बाबू, टाइम कितना है 15 सेकंड तक, और रेस्ट कितना टाइम तक की है, रेस्ट का टाइम कितना है 5 सेकंड तक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो देखो फ्लाई ड्यू साउथ, उसके बाद फिर से वो साउथ की चलप चलने लगी किस वेलोसिटी से, 24 मीटर पर सेकंड से। ये रिटर्न वाला केस बन रहा है, ये जाने का हाल था, अब ये आ रहा है किस स्पीड से, सही था ना, कितना 20, यानी कि इसके पास जो V2 है ना वो 24 किलोमीटर पर आवर, क्या मीटर पर सेकंड, 24 मीटर पर सेकंड है, और कितने टाइम तक 10 सेकंड तक, ये टाइम तुम्हारा 10 सेकंड हो गया। आई बात समझ में, समझ पाए, वेरी गुड। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है समझो जरा, हमसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो भाई बात एवरेज स्पीड की करें, एवरेज स्पीड की करें तो टोटल डिस्टेंस बता दोगे क्या, टोटल डिस्टेंस नहीं बता पाओगे, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, V1 into T1 प्लस इसका डिस्टेंस कितना होगा V2 into T2, और टोटल टाइम कितना होगा T1 plus T2 plus 5 सेकेंड। हाँ रेस्ट वाला भी टाइम ना, बिल्कुल सॉल्व करिए इसे, तो V1 कितना है मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 × 15 + 24 × 10 / 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और 5 सेकेंड, 20 + 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, ये कितना हो गया 300 + 240 / 30, कितना हो जाएगा 540 / 3, 18 × 54, 18 मीटर पर सेकंड आएगा। बोलो बोलो दे, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो देखो इसमें थोड़ा डायरेक्शन वेक्शन भी लगा देते हैं ताकि डायरेक्शन वाला भी कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। हाँ अब देखो जरा, देखो नॉर्थ की तरफ किधर हुआ, क्या है आई की जे, आपको पता है ना ऊपर तुम्हारा जे प्लस आएगा और नीचे जे माइनस आएगा, तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे ना, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट किधर, तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट किधर है, माइनस जे की तरफ, या माइनस के, माइनस जे की तरफ है ना नेट डिस्प्लेसमेंट। देखो अरे सुनो, इनिशियल टू फाइनल है ना रे, यहां से मान लो चले और यहां से ये साउथ पहुंचे, है ना, ओ तब तो यहीं पे लौटा है साउथ में, अच्छा हम ही थोड़ा
तो नेट इधर ही गया ना, नहीं समझे, 300 गया। देखो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तुम्हें, अगर वेक्टर के केस में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे निकाले, डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हें क्या करना है, देखो सेकंड वाला बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हें क्या करना है, वेक्टर के फॉर्म में कर दो। तो आप किधर गए, 20 × 15 किस में गए हैं, जे में, इतना डिस्टेंस आप जे में गए पोजिशन, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट मतलब माइनस इनिशियल टू फाइनल, और क्या हुआ है 240, बोलो 24 × 10 किस में गए हैं, किस में, सॉरी प्लस ना, टोटल डिस्टेंस, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस जे कैप, बोलो माइनस जे में गए ना, तो माइनस जे आपको क्या लग रहा है, 300 माइनस भाई बोलो 240, और हो जाएगा क्या, जे हो जाएगा, कितना हो गया 60 जे आ गया, समझे, क्या समझेंगे, दो कॉल आया हुआ है, जूम मीटिंग फिर आउट हो गया, क्या हुआ, देखो लो क्या करना है तुम्हें।